सिंह नेताजी जिंदाबाद, राम 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 सिंह नेताजी जिंदाबाद। कोई नहीं, बहुत दिन बाद स्वागत समारोह आदरणीय नेताजी का। हमारे मोड़बंद से पूर्व मोड़बंद के वार्ड अध्यक्ष मेरे छोटे भाई रंतेश भाटी, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात करें। और आप सब ये चाहते हैं राम सिंह नेताजी आपके विधायक बने, ये सबसे अच्छा है तो राम सिंह नेताजी, क्योंकि उन्होंने इस तरह के झूठे बिल्कुल कोई उद्घाटन नहीं किए, कहा है भीड़ इकट्ठी करें, चार बात कहे मैं ये कर रहा हूँ और फिर यहाँ से चले जाए। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी सब माता बहने जानते हैं कि राम सिंह नेताजी चाहे विधायक रहे या नहीं, वो अपने ऑफिस में बैठते, बदरपुर विधानसभा के अंदर उनका ऑफिस है, और वो जब विधायक भी नहीं है, अब नहीं है, परंतु आपको रोज अपने ऑफिस में मिलते हैं, क्षेत्र में कोई सुख दुख की बात होती है तो वो आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। पिछली बार थोड़ी गलती हमसे हुई या आपसे हुई, उसमें हम सब दोषी हैं, हम थोड़ी मोटों से चुनाव हारे, तो हमें ये दिन देखने पड़े। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये भी मुझे 100% विश्वास है, एक अरविंद केजरीवाल जी 10-20 दिन में जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि वो डाल किस लिए रखे जेल में, एक चुनाव से पहले जो हर महीने आपको 1000 रुपये देने की बात थी, क्योंकि वो जब तक नहीं मिलेंगे जब तक मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आएगा, ये बीजेपी की साजिश है। और राम सिंह नेताजी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, आम आदमी पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, तो मुझे विश्वास है एक अब की बार आप सब लोग मिलकर, हम सब मिलकर राम सिंह नेताजी को अपना विधायक चुनेंगे, जो हमारे सुख के लिए है, बदरपुर में है, बदरपुर में है, बदरपुर में है, और हमने भी जो हम कर सकते थे, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे पास यार हमें उसकी मदद न करें, हमने किसी को खाली हाथ नहीं आने दिया, या सुख हो या दुख हो हमेशा हम लोग उनके साथ खड़े रहे। आज इसलिए मैं आया हूँ कहने के लिए कि आप लोग अब चौकस रहिए, जिनकी वोट नहीं बनी है उनको चेक कर लीजिए, बता दीजिए, क्योंकि हमारे माता बहने फिर जिस दिन वोट पड़ेगी भैया हमारी तो वोट ही नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो सर मैं भाई मोहित से कहूँगा कि ये अपने यहाँ पर कोई कंप्यूटर वाला बैठाएगा और जिनकी वोट नहीं उनकी वोट बनवाएगा, और जिनके पहचान पत्र नहीं उनके पहचान पत्र बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये हथियार है। अब आप लड़ने जा रहे हो, हथियार है नहीं तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए सबसे जरूरी आपकी वोट होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूँ। और एक जो पहचान पत्र की कॉपी है तो वो दे देंगे फोटो स्टेट हमें, तो हम उसमें से देख लेंगे कि आपकी जो वोट है कौन से बूथ के नंबर पर है, तो उसकी जुम्मेवारी फिर कुछ भाई अपनी बहनों को दी जाएगी कि आप अपने बूथ को इसको देखिए, ये इसको देखेगी, तो वो एक तरह से फिर जो हमारी मजबूती है वो रहेगी, और हम जितनी ज्यादा वोट अपने लोगों की डलवा पाएंगे वो हम कोशिश करेंगे। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है, मैंने हमेशा से कहा है, अभी आप पुल पे चले जाएंगे, लोग ड्यूटी से आते हैं 2.5-2.5 घंटा खड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं है, उसमें एक गाड़ी रोड़ी गिरनी है, अगर वो रोड़ी गिर जाए उन खड्डों में तो फिर जाम वहां लगेगा नहीं, परंतु एक गाड़ी नहीं लगवा सकता वो तो अगर तुम्हारे के चुनाई चल रही है तुम्हारी इंटरनेट चुरा कर ले जाएगा,
वो नहीं करेगा काम। उसने कितनी बार कहा कि मैं सीवर डलवा दूंगा, परंतु आज अपनी माता बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग डंके की चोट पे कह देना कि अगर राम सिंह आएगा तो अब से सीवर राम सिंह डलवाएगा। ये इस क्षेत्र में पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है। हेमचंद जी ने हमने अपने फंड में से पैसा दिया, वो बाकायदा सर्वे हो गया, पानी किधर की तरफ जाना है, डैम की तरफ जाएगा, परंतु इसने काम नहीं करे और लोगों को साजबाग दिखाता है, यहाँ कॉलेज बन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कोई किसी को मिलता हो जिनमें? आपको अपना प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो आपके बीच का रहने वाला, आपके इलाके का रहने वाला, और वो व्यक्ति अब दिल्ली में रहता है, कहीं कौन जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाएगा। तो ये मैं कहने के लिए आया हूँ। एक आप याद रखे, जिन माता बहनों की हमने पेंशन बंधवाई थी मैंने अपने कार्यकाल में, उसके बाद पेंशन नहीं बंधी, आप चिंता ना करें। इसके बाद वो पेंशन वाला जो काम है बनने के बाद हम उसको करेंगे, जिससे हमारी माता बहनों का सम्मान होगा। इसके बाद केजरीवाल जी ने एक योजना बनाई है दिल्ली में, जैसे ही वो बाहर आएंगे कैबिनेट का रेजोल्यूशन है, उस पर केजरीवाल जी के साइन होंगे। अगर घर में कोई चार है तो चार के 4,000 रुपए दिल्ली सरकार उनके घर में 1,000 रुपए महीने में। तो साथियों, सरकार की योजना बहुत है, आपके लिए बस फ्री है, ये केजरीवाल जी ने कर रखी है। तो आपने ध्यान रखना इस बात का कि हमें जिस दिन तक वोट पड़े हम मजबूती के साथ लगे रहें। और एक प्रार्थना ये भी है, अब मीटिंग शुरू होंगी, हम भी गली गली पदयात्रा करेंगे, लोगों को समझाएंगे। आप भी बताइए लोगों को कि इसने क्या किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली हो, पानी हो, आपके बच्चों के लिए स्कूल हो, आपके शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, पानी का काम हो, जितने काम किए मैंने करे हैं, इसने कोई काम इस क्षेत्र में नहीं करा। इसने क्या किया है, हमारे पैसे ले लिए रजिस्ट्री के नाम पर। कहाँ हमारी रजिस्ट्री, कितना पैसा कहाँ गया? ये जो पैसा इसने लूटा लोगों से, वो पैसा गया कहाँ? ये बात आपको लोगों में कहनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ है। तो ये बड़ा भारी घोटाला इसने क्षेत्र में किया। तो ये बात आप लोग घर घर जाके हमारी माताएं बहनें बता सकती है कि धोखेबाज है, ये पैसा खाने के लिए क्षेत्र में आता है। जैसे अंग्रेज भारत को लूट के ले गए, ऐसे ये पूरे बदरपुर का कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसको लूटा इसने ना हो। तो मैं अपनी माताओं बहनों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे लोग आएंगे, भाई मोहित जी आएंगे आपके बीच में, तो जो गरीब बेसहारा हमारी माता बहने हैं उनकी लिस्ट आप बनवा देना। दिवाली से 7 दिन पहले सबको बढ़िया कंबल मैंने बनवाए हैं, एक एक के घर आप कंबल बंटवाने का काफी करेंगे जैसे गरीब। और उसके बाद चुनाव में जो हमारी माता बहनें बहुत अच्छा काम करेंगी, मेहनत करेंगी, उसके लिए फिर मैं बताऊंगा नहीं, वो सबको सम्मानित किया जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, भाई सरजीत का, मोहित का, क्योंकि ये बहुत मेहनती और समाज सेवक, आप सब जानते हैं ये थोड़ी सी वोटों से रह गए। आपने तो बहुत मेहनत करी, परंतु आपके गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा देंगे ठाकुर जी। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। मेरी माता बहनें, बहुत दिन बाद हम सब लोग मिले, अब मिलते रहेंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखते रहेंगे। और मैं 2-3 बातें आप ध्यान रखना, मेरे आने के बाद एक तो मैं सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान हम रखेंगे, उसके अलावा सीवर का काम। अब के गर्मियों में पानी की इतनी दिक्कत रही, बहुत लोग परेशान रहे पानी का, एमएलए मिला ही नहीं, पानी कौन ठीक करेगा? एमएलए आए नहीं, अपने कहीं एयर कंडीशन में लेटा रहा, लोग बेचारे इधर से उधर परेशान हो गए। तो आप लोगों का फिर मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और भाई सरजीत जी कह रहे टैंकर, तो मेरी आप लोगों के आशीर्वाद से सेवा चलती रहती है, और मेरा उद्देश्य सेवा का है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं आपका फिर हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप थोड़े नोटिस पे आए और अपना बेटा
का अपना भाई समझ के आपने मेहनत करनी है और मैं आपकी 5 साल ईमानदारी से सेवा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you.